Everyone, let's start with today's class. So this class is about the neural system or the neural coordination in human body. So before starting today's lesson, let's discuss the term, that is coordination. कि coordination term क्या होती है, इसका मतलब क्या है? Okay, एक second. Yes. So before starting this lesson, let's understand this term coordination. After that, we will discuss about neural system or the nervous system of human body. देखिए, हमारी जो body होती है ना, वो complete body एक holo structure होती है, एक holo structure जिसके अंदर अलग-अलग type के organs coordination में काम करते हैं. Because human की जब भी आप बात करते हो, तो human की body के अंदर organ system organization होता है. What do you mean by this organ system organization? Yes, organ system organization. So organ system organization का मतलब ये है कि अलग-अलग type के organ specified है अलग-अलग function को perform करने के लिए. So हर एक organ का अपना function होगा और वो उसमें specialized होंगे. So उसके अंदर अलग-अलग type की cells हैं जो similar way में काम कर रही होती है, right? So हमारी body के अंदर नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम हम कहें, इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखना. कोऑर्डिनेट मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. देखिए, हमारी बॉडी, क्योंकि हमने कहा एक होलो स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे हैं. ठीक है, क्यों काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना चाहिए. तो देखिए, हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी हर एक नीड के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, तो हमें अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना होता है और वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो होगा ही, है ना. तो आप सभी ने आपकी बॉडी के अंदर एक टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं सेंसेस, की हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं और उन सेंसेस के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते. ठीक है, बट क्या आपके सेंसेस ही आपको अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करा रही है? नहीं, आपके सेंसेस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सिग्नल को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ये डिटेक्ट कर पाए कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्चुअल में हो क्या रहा है और उसके ऊपर किस तरीके से आपकी बॉडी को, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को रिएक्ट करना है, वो डिसाइड करता है आपका न्यूरल सिस्टम. ठीक है, सो हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर दो या तीन ऑर्गन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज का मेन कमांडिंग जो सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है. हालांकि हमारा नर्वस सिस्टम भी अकेले काम नहीं करता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी बाकी दो सिस्टम के साथ मिलके काम करता है. और मेनली अगर हम कहें तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर सिक्रेट होती है, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करती है उनकी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग. ओके, सो इन दिस वीडियो सीरीज वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू फोकस ऑन दिस नर्वस सिस्टम. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, बट अ लिटिल बिट मैं आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे जरूर करूंगी कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, क्योंकि एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ही आपकी बॉडी के पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं. तो आपके लिए जरूरी है, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप ये समझें कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है और साथ ही साथ कैसे एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और भी आपका क्लियर होगा कि जब ऑलरेडी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो दूसरे सिस्टम की जरूरत ही क्या है ना, तो ये चीज भी आप क्लियर करोगे. ओके, सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करे, इनहांस करे. ठीक है, सो हमारी बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली
नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, बट एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ आप जब इसके फंक्शनैलिटी समझोगे तो आपको समझ में आएगा नॉट ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम बट द मस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बिकॉज नर्वस सिस्टम हालांकि आपके सेंसेस की हेल्प से सिग्नल को रिसीव जरूर कर लेता है बट कमांड देने के बाद जो भी एक्शन होगा वो या तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है या फिर आपका मस्कुलर सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम इज द कमांडिंग सिस्टम बट जो एक्चुअल में एक्टिंग सिस्टम है वो आपका मस्कुलर और आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, राइट? ओके, सो अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बातें यहां से डिस्कस करें, राइट, लेट मी राइट डाउन हियर। न्यूरल टिश्यू, ऑल यू नो दैट हाउ द टिश्यू इज फॉर्म, व्हेन जब आपकी बहुत सारी सेल्स जो एक ही टाइप का, जिनका ओरिजिन हो, एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो ही आपकी बॉडी के अंदर एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है है और ऐसे टिश्यू मिलके ही आपके ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी सेल मिली, टिश्यू बनाया, टिश्यू से आपके टिश्यू सिस्टम बना, ऑर्गन बना और ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से न्यूरल टिश्यू के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली क्या क्या मेन मेन चीजें उसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो जब आप न्यूरल टिश्यू की बात करते हो तो सबसे पहली बात कि जो नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल टिश्यू होता है, इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होती हैं उन सेल्स के बीच में आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। नाउ व्हाट इज द इंटरसेलुलर स्पेस? इंटरसेलुलर का मतलब ये है कि अगर ये न्यूरोनल सेल, मान लो ये दो आपकी न्यूरोनल सेल है, तो इन दो न्यूरोनल सेल के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरल टिश्यू के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। उसी के साथ आप देखते हो उसका जो मेजर फंक्शन होता है, दैट इज टू रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस टू कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी, राइट? मतलब ये हुआ कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका मेन काम होता है स्टिमुलाई को रिसीव करना। ये मैं ऐड कर चुकी हूं कि नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई को रिसीव कैसे करता है। कभी भी आपका नर्वस सिस्टम डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता। आपकी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होती है वाया सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमेशा नर्वस सिस्टम की हेल्प करते हैं सिग्नल को रिसीव करने में। ठीक है, आपकी स्किन चाहे सेंसेस को रिसीव करेगी, आपकी ईयर रिसीव करेंगे, आपकी टंग रिसीव करेगी। सेंस ऑर्गन सिर्फ सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है और उसके बाद उसे ट्रांसमिट कर देता है आपके नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, सो जो नर्वस सिस्टम है वो सेंस ऑर्गन की हेल्प से स्टिमुलाई को रिसीव करता है, इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम आपका इसी बेस पे काम कर रहा है कि यहाँ पे इम्पल्सिस का कंडक्शन होता है। ठीक है, सो ये आपका जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, समझ लो आपको पूरा नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, सो रिसीव द स्टिमुलाई वाय सेंस ऑर्गन, कंडक्ट द इम्पल्सिस जो कि इसके स्पेसिफिक टाइप के सेल्स, न्यूरोनल सेल जिनका मेन फंक्शन होता है इम्पल्सिस को कंडक्ट करना एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। ठीक है, कि इम्पल्सिस को कंडक्ट करके वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है या कहे कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सो न्यूरल टिश्यू का सबसे मेजर फंक्शन यही है कि स्टिमुलाई को रिसीव करना, इम्पल्सिस को कंडक्ट करना और साथ ही साथ रिस्पोंड करना, और रिस्पॉन्स में वो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है,
अगर मैं और यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँ रिगार्डिंग द न्यूरल टिश्यू और द नर्वस सिस्टम, सो वी कैन से कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दीज आर डिवॉर्ड ऑफ द पावर ऑफ रीजेनरेशन. Now, what do you mean by this term, the power of regeneration? देखिए, आपके बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है. जब हम लोग रीजनरेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक टिश्यू या कुछ एक सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास रीजनरेशन पावर होती है. मतलब ये कि वो दोबारा से जनरेट हो सकती है. ठीक है, आपने सेल्स भी पढ़ी होंगी, है ना, आपने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा होगा. स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वो होती हैं जिनके पास एबिलिटी है कि वो किसी भी टाइप की सेल में मॉडिफाई हो सकती है, डिफरेंशिएट हो सकती है ना. स्टेम सेल्स यही तो होती है जिनके पास क्या होती है, दीज आर टोटिपोटेंट टाइप ऑफ सेल्स जिनको आप किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. आप इनसे मसल सेल्स बना सकते हो, आप इनसे लिवर सेल बना सकते हो, आप इनसे स्केलेटल सेल्स बना सकते हो, राइट. ठीक है, आप इनसे किसी भी टाइप की सेल्स आप बना सकते हो, आप अपनी स्किन सेल्स यहां से बना सकते हो, राइट. तो जो स्टेम सेल्स होती है ना, इनकी सबसे ज्यादा पावर ऑफ जनरेशन होती है. तो हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर जितना भी डिफरेंशिएशन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद नर्वस सिस्टम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता. इन शॉर्ट हम कहें कि ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड हो जाता है आपकी जब एम्ब्रायनिक स्टेज होती है उसी टाइम पे, उसके बाद इसके अंदर फर्दर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता. और यही एक रीजन होता है कि जो मोस्ट ऑफ द आपकी न्यूरल सिस्टम के डिजीज होते हैं वो आपके क्योर नहीं होते. उनका मेजर रीजन यही होता है. क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो नर्वस सेल्स है, अगर आपकी लाइफ स्टेजेस के टाइम पे कभी भी ये डैमेज हो जाती है तो ये वापस से रिपेयर नहीं कर सकती. ठीक है, इसलिए इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन ना होने की वजह से समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर द न्यूरल डिजीज, राइट. ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करूं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स आती हैं. बेसिकली जब हम लोग जब 9th 10th क्लास में होते हैं तो हम लोग को यही बताया जाता है कि नर्वस सिस्टम यानी के न्यूरोनल सेल. ठीक है, सभी को यही बताया जाता है कि नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरोनल सेल, बिकॉज हमें पता है न्यूरोन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये सच भी है. लेकिन न्यूरोनल सेल के अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर, आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब ये कौन सी सेल्स होती है देखिए, अगर हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करें इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम, देन देयर इज फर्स्ट वन इज न्यूरॉन, जिसके बारे में आप सभी को पता है व्हाट आर न्यूरॉन्स, क्या होते हैं न्यूरॉन्स, है ना. एंड सेकेंड वन इज न्यूरोगैलियल सेल्स, राइट. अब आपने ये टर्म सुना भी होगा, न्यूरोगैलियल सेल्स, नो डाउट. बट आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि दीज आर अगेन वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड इन केस ऑफ न्यूरल सिस्टम, और इनका मेजर फंक्शन भी होता है. मेजर फंक्शन इन द सेंस, न्यूरॉन्स के बारे में तो हम सभी को पता है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहा? फंक्शनल की बात करें तो मतलब ये देखो, मेन फंक्शन क्या था नर्वस सिस्टम का? कंडक्ट द इम्पल्सिस, राइट. अब इम्पल्सिस को कंडक्ट कौन कर रहा है? न्यूरोनल सेल ही तो कर रही है, इसीलिए तुमने कहा ना फंक्शनल यूनिट, क्योंकि मेजर फंक्शन ही नर्वस सिस्टम का यही है कि वो इम्पल्सिस को कंडक्ट करेगा, बॉडी को कंट्रोल करेगा. अब इम्पल्सिस को कंडक्ट करने वाली न्यूरोनल सेल होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूरोन सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. नाउ व्हाट अबाउट द न्यूरोगैलियल सेल्स? देखिए, न्यूरोगैलियल सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सो न्यूरोगैलियल सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो सपोर्टिंग सेल्स की तरह काम करती है. सपोर्टिंग इन द सेंस कि ये आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, ये आपके न्यूरोनल सेल्स को सपोर्ट करती है. अब सपोर्ट मतलब किस सेंस में सपोर्ट
करेगी। तो देखिए न्यूरोगेलियल सेल्स, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे आपको बताऊं तो शायद आप समझ पाओ। स्क्वैन सेल्स, ठीक है, आपने स्क्वैन सेल्स का नाम पढ़ा होगा, है ना, सभी ने पढ़ा है। जब आप स्ट्रक्चर समझते हो, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हो, तो वहां पे आप स्क्वैन सेल्स को ड्रॉ भी करते हो, बट आपको स्क्वैन सेल्स के बारे में इतना ही बताया जाता है कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है ना। इससे ज्यादा हम सभी को नहीं पता होता कि व्हाट इज स्क्वैन सेल्स, क्या फंक्शन होता है, कैसे ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। लेकिन आप देखते हो जो न्यूरोगैलियल सेल्स होती है, ये मेजर टाइप की सेल्स होती है, जिसमें आप अलग अलग टाइप की न्यूरोगैलियल सेल्स पढ़ते हो, जैसे एस्ट्रोसाइट्स भी होती हैं, है ना, एस्ट्रोसाइट्स। अब इनके फंक्शन की अगर मैं आपको बात यहाँ पर बताऊं, तो जो एस्ट्रोसाइट सेल्स है, जिन्हें हम लोग मैक्रोगेलिया भी कहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है ना, अबंडेंट सपोर्टिंग सेल्स, सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली सपोर्टिंग सेल्स होती है, जिनका फंक्शन होता है रिपेयर करने का, रिपेयर करने का। हालांकि आपके नर्वस सिस्टम के पास ये पावर नहीं होती, वो रीजनरेट नहीं कर सकता, लेकिन रिपेयर तो हो सकता है ना, रिपेयर तो यहाँ पे हो ही सकता है, रीजनरेशन ही तो नहीं हो सकता, रिपेयर तो हो गई। सो रिपेयर के केस में जो रिपेयर करेगा वो कौन करेगा, वो आपकी एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है। इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसका दूसरा नाम होता है मैक्रोगेलिया। मैक्रो का मतलब होता है जब आप किसी चीज के कंटेक्स्ट में बोलना चाहते हो कि भाई वो आपकी साइज में बड़ी है या बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिल रही है, तो हम उसके आगे ऐड कर देते हैं मैक्रो वर्ड, है ना। गैलिया वर्ड से आप याद रखोगे कि वो एक टाइप की न्यूरोगैलियल सेल है, और मैक्रो से आप याद रखोगे कि वो लार्जर इन साइज होती है और ज्यादा अबंडेंट होती है आपके नर्वस सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि न्यूरोगैलियल सेल, सभी न्यूरोगैलियल सेल्स का फंक्शन सपोर्टिंग फंक्शन होता है। तो आप यहां से याद कर सकते हो कि एस्ट्रोसाइट्स टाइप की जो सेल्स होती है वो एक टाइप की मैक्रोगेलिया होती है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है आफ्टर दी न्यूरोनल सेल, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोनल सेल देखने को मिलती है, उसके बाद आपको एस्ट्रोसाइट्स देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी, तो आप देखते हो वहां पे आपको स्क्वैन सेल्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स आपको देखने को मिलती है ना। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन करती है माइलिन शीथ को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यस, दे मेंटेन दी माइलिन शीथ, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। और अगर मैं न्यूरोगैलियल सेल्स के बारे में बताना चाहूं, तो यहाँ पे एक और मेजर टाइप की न्यूरोगैलियल सेल्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोगैलिया। नाउ इनका जो फंक्शन होता है ना, इनका फंक्शन होता है एक मैक्रोफाज सेल की तरह काम करना, ठीक है। आपने दो टर्म सुनी होगी, एक होती है मोनोसाइट सेल। मोनोसाइट सेल्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है, राइट, और एक होती है मैक्रोफाज सेल्स। अब जो मैक्रोफाज सेल्स होती है ना, ये मोनोसाइट सेल्स ही होती है, बट ये टिश्यू स्पेसिफिक होती है। जब मोनोसाइट सेल्स किसी टिश्यू में प्रेजेंट होती है फुल्ली मेच्योर स्टेट में, तो हम उसे मैक्रोफाज सेल्स कहते हैं। मैक्रोफाज सेल्स का मेन फंक्शन होता है, ये स्क्वेंजर सेल्स होती हैं, स्क्वेंजर सेल्स जो स्क्वेंज करती हैं, यानी कि जब आपके नर्वस सिस्टम में, देखो रिपेयर करने के लिए तो हमारे पास सेल आ गई है ना, हिस्ट्रोसाइट्स आ गए, बट ऐसी सेल्स भी तो चाहिए ना जो डेड कॉम्पोनेंट को रिमूव करे। टाइम टू टाइम घर की क्लीनिंग भी तो जरूरी होती है ना, आप हाउस को क्लीन नहीं करोगे तो आपके घर में लगाती जाएगी। तो ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो रिपेयर करने के काम करता है वो भी न्यूरोगैलियल सेल्स करती हैं, और जो एक्स्ट्रा डेड कंपोनेंट है जो स्क्वेंजर सेल्स होती है, उनका काम भी न्यूरोगैलियल सेल्स का ही होता है। जो स्क्वेंज की तरह काम करती है उन्हें माइक्रोगेलियल कह देते हैं, जो रिपेयर का काम करती है उन्हें मैक्रोगेलियल कह देते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखोगे,
होप आई होप आप याद रखोगे। दूसरी हमने कौन से टाइप की सेल बात करी, हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट कहा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है माइलिन शीथ को मेंटेन करके रखना, लेकिन माइलिन शीथ को मेंटेन करने से पहले उसकी फॉर्मेशन भी जरूरी है, तो फॉर्मेशन कौन करेगा, स्क्वैन सेल्स फॉर्मेशन करेगी, है ना। राइट, अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो आप देखते हो कि और भी अलग अलग टाइप के हमारे मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ और मेन कंपोनेंट या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारी ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल स्पाइनल कोड को लाइन करके रखती है। लाइन इन द सेंस कि आपका जो ब्रेन प्रेजेंट होगा ना और आपकी जो स्पाइनल कोड होगी उसकी आउटर लाइनिंग जो होती है ना, वो उसमें जो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है वो हमारी एपिडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यस। तो न्यूरोनल सेल्स का तो आपको पता ही है, कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस, एपिडाइमल सेल्स जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करेगी। उसी के साथ साथ आप देखते हो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। अभी जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है इनका काम क्या होता है, देखो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो मतलब ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को सिक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, और इन न्यूरो ट्रांसमीटर को सिक्रेट करने वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, सो याद रखोगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें कैसे कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। हमने क्या डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली दो टाइप के सेल्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे मेन न्यूरोनल सेल विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, सेकेंड वन इज न्यूरोगेलियल सेल। न्यूरोगेलियल सेल्स भी आपकी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि उसमें आप स्क्वैन सेल्स देखते हो जो आपकी न्यूरोनल सेल के अराउंड एक माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है। उसी के साथ आप ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स देखते हो जिनका काम होता है माइलिन शीथ को मेंटेन करके रखना। फिर हमने बात करी माइक्रोगेलिया और मैक्रोगेलिया सेल्स की। माइक्रोगेलिया जिन्हें मैस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है रिपेयर करने का, कि अगर आपकी न्यूरोनल सेल डैमेज होती है तो कुछ हद तक हम उन्हें रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एस्ट्रोसाइट सेल्स। फिर हमने माइक्रोग्लिया सेल डिस्कस करी जो एक मैक्रोफास की तरह काम करती है, जिनका काम होता है जो भी डेड कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको रिमूव करना। राइट, ओके। फिर हमने कहा कि और भी स्पेसिफिक टाइप की सेल आपको ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलती है जो उसको लाइन करके रखती है, उसकी जो कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में उसको लाइन करके रखने वाली जो सेल्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल। बिसाइड दिस आपके न्यूरो नर्वस सिस्टम में आप देखते हो कि आपके पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है जो स्पेसिफिक टाइप की न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें मैं अगर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके न्यूरो ट्रांसमीटर में गाबा होता है, एसिटाइलकोलाइन होता है, यस ये आपके स्पेसिफिक टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एक्ट एज अ इनहिबिटर, कैन बी एक्ट एज अ प्रमोटर, इट डिपेंड्स कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने रिलीज किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम कमांडिंग मतलब किसी चीज को प्रमोट करेगा या आपके फंक्शन को सप्रेस करेगा। राइट, ओके। फिर उसके बाद न्यूरोगेलियल सेल्स हमने डिस्कस कर लिया। राइट, तो आज के क्लास में हमने ये चीज देखी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है अगर हम सेलुलर लेवल पर इसकी बात करते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन सी मेजर टाइप की सेल्स है वो भी हमने डिस्कस करी। अब हमने ये चीज भी समझी कि नर्वस सिस्टम का काम होता है एक होमोजेनेसिस यानी कि सॉरी नॉट होमोजेनेसिस होमोजेनिटी को मेंटेन करके रखना। अब ये होमोजेनिटी का मतलब क्या है, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी होता है वो होलो स्ट्रक्चर होता है, हर एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और नर्वस सिस्टम हर एक बॉडी को कंट्रोल हर एक पार्ट को ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ना।
क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है? क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर एक होमोजेनेसिस की स्टेट को मेंटेन करके रखना है। होमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी जिसके अंदर हर एक चीज एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परफेक्ट है, हर एक ऑर्गन आपका परफेक्टली काम करेगा वेल रेगुलेटेड मैनर में, है ना। वो चीज आपकी जो मेंटेन करके रखनी होती है ना, वो सारा का सारा आपका नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करके रखता है। सो कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों का काम कोऑर्डिनेशन का काम है, लेकिन फिर भी हम लोग नर्वस सिस्टम को ही कोऑर्डिनेटेड पार्ट क्यों कहते हैं, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड पार्ट क्यों नहीं कहते, वो सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो टुडे, फॉर टुडे आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, एंड थैंक यू सो मच।